से जिंदगी को शुरू किया जाए। तो दिल्ली के अंदर लगभग में 400 टीमें अलग अलग जगह पे जाकर पब्लिक का मनोरंजन कर रही हैं और अलग अलग तरीके के संदेश दे रही हैं। तो दिल्ली में कहीं पे भी आपको कोई गाना गाता हुआ मिल जाए, नाटक करता हुआ मिल जाए तो सोचकर आश्चर्य मत करना, दिल्ली सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो हम आपके बीच में आए और नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने के लिए, तो आपके बीच में सबसे पहले हम कुछ कविताएं सुनाएंगे, जा बेटा घर जा और तेरे से छोटा हो तो उसे ले गया। तो जोरदार तालियां बजाओ और आपके बीच में कुछ कविताएं लेके आ रहे हमारे साथी अभिषेक शर्मा जी, जोरदार तालियां। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं आपके सामने कुछ कविताएं पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है अभिषेक जी। तो पहली कविता है चलो साथी चलो। चलो साथी चलो। अक्सर हम जिंदगी में हार मान के बैठ जाते हैं, तो उसी को सोचते हुए कविता लिखी थी, वो पेश है। चलो साथी मिट्टी के आशियाने बनाते हैं। चलो साथी मिट्टी के आशियाने बनाते हैं। इन तूफानों को भी चाहिए कुछ उजाड़ने के लिए। इन तूफानों को भी चाहिए कुछ उजाड़ने के लिए। चलो साथी मिट्टी के आशियाने बनाते हैं, इन तूफानों को भी चाहिए कुछ उजाड़ने के लिए। चलो साथी समुद्र किनारे सुनहरी रेत पर नाम लिख छोड़ाते हैं, उन लहरों को भी चाहिए कुछ मिटाने के लिए। चलो छाया की तलाश में खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, उस धूप को भी चाहिए कुछ उजाड़ने के लिए। चलो साथी आंखें खोल कर सपने देखते हैं, उन अपनों को भी चाहिए कुछ छोड़ने के लिए। चलो साथी चलो। दूसरी कविता है जनगण मन, जिसको लिखा है रमाशंकर विद्रोही ने। स्वागत है, सामने पेश करने आ रहा हूँ। मैं भी मरूंगा और हिंदुस्तान के भाग्य विधाता भी मरेंगे। मैं भी मरूंगा और हिंदुस्तान के भाग्य विधाता भी मरेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले जनगण मन अधिनायक मरे जी, फिर हिंदुस्तान के भाग्य विधाता मरे। क्या बात है। फिर साधु के काका मरे, यानी सब बड़े बड़े लोग पहले मर ले, फिर मैं मरूं आराम से। पर चल कर वसंत ऋतु में जब दानों में दूध और आमों में बोर आ जाता है, या फिर तब जब बनबेला फूलती है, नदी किनारे मेरी चिता दहक कर महके और दोस्त सब जिंदगी करे। ये विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था, सब बड़े बड़े लोगों को मार सकता। कविता और है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, युग चेतना। मैंने दुख झेले, सहे दर्द पीढ़ी दर पीढ़ी इतने, फिर भी देख नहीं पाए तुम मेरे उत्पीड़न को, इसलिए युग समूचा लगता है पाखंडी मुझको। इतिहास जहां नकली है, मर्यादा सब झूठी, हथियारों की रक्त रंजित उंगलियों पर जैसे चमक रही सोने की नख जड़ी अंगूठी। क्या बात है। कितने सवाल खड़े हैं, कितनों का दोगे तुम उत्तर। मैं शोषित पीड़ित हूँ, अंत नहीं मेरी पीड़ा का, जब तक तुम बैठे हो काले नाग बने फन फैलाए मेरी संपत्ति पर। मैं खटता खेतों में फिर भी भूखा हूँ, निर्माता महलों का फिर भी निष्कासित हूँ, प्रताड़ित हूँ। इतलाते हो बलशाली बनकर तुम मेरी संपत्ति पर। क्या बात है। फिर भी मैं दीनहीन चज्जर हूँ, इसलिए युग समूचा लगता है पाखंडी मुझे। बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया हमारे मित्र अभिषेक ने, और एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप भी पीछे के